हम लोग का अंदर डर बैठा रहता है कि कहीं अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर हम लोग को दोबारा से स्टडी करना पड़ता है। तो हम अपने सरकार से गुहार लगाएंगे स्टूडेंट के नाते कि हमारा जो पेपर हो वो सही तरीके से हो, इसमें कोई छड़ाखानी ना किया जाए। और हम लोग तो जी तोड़ मेहनत करते हैं इस पर, और हम लोग चाहते नहीं है कि पेपर लीक हो। जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो लोग लीक कराते हैं पेपर। दो साल से मेहनत करके आ रहा है और पेपर थी हो जाए, लीक हो जाए, तो सबका मेहनत बेकार ही जाएगा ना। इसीलिए हर कोई डरता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक होगा तो जो नहीं पढ़ा है वो तो निकल जाएगा, जो पढ़ा है वो नहीं निकल पाएगा। परीक्षा छोड़ दें, नीतीश जी नौकरी दे देंगे। अरे सरकार, ये सरकार अपने यहाँ से निकाल दी थोड़ी, एक प्रावधान है। नमस्कार, शीतयोग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में चल रही 3800 जिलों में आज सिपाही भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन औरंगाबाद के अनुग्रह इंटर स्कूल औरंगाबाद पे हैं, और यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुँचे हैं। 2 बज गया है और परीक्षार्थियों के निकलने का समय हो चुका है। ऐसे में तमाम परीक्षार्थी अब बाहर एक एक करके आ रहे हैं और परीक्षार्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज का जो पेपर था वो अंतिम पेपर था, और अंतिम पेपर ख़त्म होने के बाद परीक्षार्थी आखिर क्या बोलते हैं। क्या नाम होगा आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए? बक्सर से आए हैं। बक्सर से आए हैं, औरंगाबाद सेंटर। जी जी, आखिरी दिन था, आखिरी दिन पेपर देकर के रिलैक्स फील हो रहा है, क्या लगा? जी हाँ, रिलैक्स फील हो रहा है जी। और पेपर भी बहुत अच्छा लेवल से बनाया गया था, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस थे, साइंस से भी थे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनाया गया था। हमने 67 से एबव अटेम्प्ट किया है और आशा करता हूँ कि रिजल्ट आ जाए, नौकरी लग जाएगी। कोशिश करते हैं, आशा करते हैं, और उसके लिए मेहनत करते हैं हम लोग जी। अच्छा, आखिरी दिन था आज, क्या लगता है? कई बार पेपर लीक को लेकर के बातें कई जगहों से, कई लोग गिरफ्तार भी हुए गिरोह चलाते हुए, डर लगता है स्टूडेंट्स को पेपर देते वक्त कि कल को कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए? हाँ, ऐसे तो होता रहता है, हम लोग का अंदर डर बैठा रहता है कि कहीं अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर हम लोग को दोबारा से स्टडी करना पड़ता है। तो हम अपने सरकार से गुहार लगाएंगे स्टूडेंट के नाते कि हमारा जो पेपर हो वो सही तरीके से हो, इसमें कोई छड़ाखानी ना किया जाए। क्या नाम होगा? विवेक विशाल। हाँ, कैसा गया पेपर? बहुत बहुत बढ़िया गया। कहाँ से आए? विक्रमगंज से। विक्रमगंज से आए। अच्छा, इतनी दूर पेपर देने के लिए आए हैं, पेपर अच्छा गया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? नौकरी पक्की है? नौकरी को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट पक्की है। मेरिट बनेगा तब ना, क्योंकि नहीं, इस पर मेरिट इस पर नहीं बनता है ना, और दौड़ पे मेरिट बनता है, दौड़ेंगे अच्छा दौड़ेंगे। फिजिकल कॉन्फिडेंस है कि नहीं? कॉन्फिडेंस तो बहुत है, 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 है। नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से। नहीं नहीं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, 3 साल से। 7 साल हो गए मैं तैयारी करते हुए। अच्छा, क्या लगता है इसके पहले वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, और आई है तो क्या लगता है निकल जाएगा? एकदम बिल्कुल निकल जाएगा मैडम, बिल्कुल निकलेगा। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आप पेपर लीक होने की जो बातें कही जाती है, डर लगता है कि कहीं कल को ऐसे? मैं वो सिस्टम में बैठे लोगों का कमी है जो पेपर लीक करा देते हैं, ठीक ना। और हम लोग तो जी तोड़ मेहनत करते हैं इस पर, और हम लोग चाहते नहीं है कि पेपर लीक हो। जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो लोग लीक कराते हैं पेपर। डर लगता है पेपर देते वक्त? डर नहीं लगता, डर लगता है मैम, पढ़े लिखे मेहनत से आते हैं। और क्या रद्द हो जाती है सब सिस्टम को लोग। जो 2 साल से मेहनत करके आ रहा है और पेपर थी हो जाए, लीक हो जाए, तो सबका मेहनत बेकार ही जाएगा ना। इसीलिए हर कोई डरता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक होगा तो जो नहीं पढ़ा है वो तो निकल जाएगा, जो पढ़ा है वो नहीं निकल पाएगा। दो साल से तो आदमी तैयारी कर रहे हैं इसका। कितना मेहनत करना पड़ता है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए? मैम, ये जो तोड़ मेहनत है इसमें कोई कहने की कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, 18-18 घंटा मेहनत करते हैं। क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं सेटिंग वेटिंग का कुछ चक्कर निकल क्या रहा है? कई जगहों से तो कई एजेंट पकड़ा चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है, कोई ऐसे कांटेक्ट करता है कि हमको इतने पैसे दे दीजिए, हम सेटिंग करवा के आपकी नौकरी लगवा दें? ये क्या बताएं, ये इतना सिस्टम ऐसा हुआ है, इस बार तो नहीं लग रहा है कि चोरी का सिस्टम है, पर अब अंदर का तो कह नहीं सकते, पर
जो बाहर से हम लोग देख रहे हैं इसमें नहीं कह सकते। आप लोगों तक नहीं पहुंचा, कहीं और तक पहुंच गया? मैम ये सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, पर हम लोग जो देखेंगे वही ना बोलेंगे। आप लोग के पास तक नहीं पहुंचा? नहीं, हम लोग फर्जी पेपर जो आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो सब मिले क्या? ऐसा कुछ नहीं, नहीं मिला। ऐसा है कि सरकार बिना लीक किए पेपर आप लोग का एक वैकेंसी सफलता? मैम ये देखिए, आज तक अभी तक कह सकते हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये आप भी नहीं बता सकती हैं। कब होगा, खत्म हो गया? ये लास्ट पेपर है आज। सही बात बोल रहे हैं, अभी तो सिस्टम ही चल रहा है, अब क्या होगा आगे कोई नहीं जानता है। अब नहीं होगा, भरोसा है एकदम 110% है। अच्छा, क्या लगता है कि जो अंदर से कुछ गड़बड़ियां निकल करके सामने आई थी, कई जगहों पे कई लोग जो है एजेंट पकड़े गए थे, क्या लगता है कि उसके बावजूद भी आपका ये जो विश्वास है वो डगमगाने वाला नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो अंदर से क्या, वो थोड़ा बहुत जो एडमिट कार्ड नहीं होता है उस पर लिख के, मतलब जो क्वेश्चन होता है ना, दो चार को ले गया था तो उसको पढ़ गया था। और चीटिंग नहीं, क्वेश्चन वो लिख कर ले जा रहा था, मतलब इस बार जो आज का पेपर 28 तारीख को कुछ नहीं हो रहा है, अंदर का व्यवस्था बहुत अच्छा है, नहीं चीटिंग नहीं, सच बोल रहे हैं, चीटिंग नहीं हो रही। देखिए ऐसा बात है, जो पढ़ा होगा आज का पेपर बहुत अच्छा से करेगा, 60-65 आराम से करेगा, जो पढ़ा होगा वही, इसलिए क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको हम। क्या लग रहा है, नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अगर नीतीश कुमार कहाँ दे रहे हैं? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार दे रहे हैं, अपने बदौलत ले रहे हैं क्या? मैम आप भी बात करती हैं, अपने बदौलत नीतीश जी परीक्षा छोड़ दें, नीतीश जी नौकरी दे देंगे? वैकेंसी तो सरकार, अरे सरकार, ये सरकार अपने यहाँ से निकालती थोड़ी, एक प्रावधान है, ये सिस्टम बनाया गया है कि नहीं ये वैकेंसी निकालना है, कोई अपने यहाँ से थोड़ी निकालता है, ये सिस्टम है मैम। लोगों की देख रेख तो सरकार ही देते हैं जी मैम। कंपनियां खोल दे, हाँ उसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं वो नीतीश जी नौकरी दे रही है। सही बात है कि अभी देंगे 12 लाख, अब देंगे अभी और बोले 24 लाख दे दिए हैं, 12 लाख और 24 लाख हमको गिनवाइए, डाटा है आपके पास? वो बोल रहे हैं कि हम दे दिए। हाँ तो एक बार आप भी, आपके पास तो बहुत कुछ होगा, आप निकालिए डाटा, तब तो हम लोग जानेंगे कि कितना मिला। विश्वास हमको विश्वास है कि ये जो री एग्जाम जो बिहार पुलिस का हुआ है ये अच्छे से आज लास्ट डे है ना सफल हो जाएगा। और स्पेशल आप लोगों की सरकार से इस एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि हमने कई स्टूडेंट से बातचीत की थी उस वक्त, उन लोगों ने कहा था कि आंसर की को लेकर के कि वो लोग चाहते हैं कि पहले उनका OMR सीट आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाए। OMR सीट नहीं, आंसर की तो आना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आएगा। हाँ जैसे कि मतलब अगर सिलेक्शन के बाद भी जैसे बिहार दरोगा का आ रहा है वैसे भी आ जाता तो हम लोग देख लेते कि कितना सही है कितना गलत है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग किसे कट ऑफ का तो पता ही नहीं चलता है। अब इस बार चोरी नहीं हो रहा है तो आदमी अपना हिसाब से लगाता है अंदाजा कि 55 जाएगा, 60 जाएगा, 65 जाएगा, तो उसके हिसाब से रनिंग करेगा। पहले तो पता भी नहीं चलता था, 60-65 वाला का तो कोई पता ही नहीं रहता था। तो इस बार देखिए क्या होता है क्या नहीं। हार्ड था, हाँ बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। तैयारी वही चल रहा था हमारा 6 मंथ से, PVT हम भी माने बैंक में काम करते हैं, लेकिन इसमें आए तो देखे तो बहुत क्वेश्चन टफ था इसमें। हाँ टफ था क्वेश्चन इसमें, वही जैसे मिलान उलान करने वाला था, पूर्व का बहुत क्वेश्चन इतिहास के उठाया था, पुराना वराना क्वेश्चन जो आपको याद हो अंदर में कि ये क्वेश्चन था जो नहीं देना चाहिए था, राष्ट्रीय एकता दिवस, मतदाता दिवस, ऐसे ही क्वेश्चन था, ये सब तो मान नॉर्मल था। बाकी इंग्लिश में भी फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन टफ क्या था एक बार वो बता दीजिए ना, कि जो आपने अंदर में देखा आपको लगा कि हाँ ये टफ था, वैसा क्या ऐसा था जो लग रहा था कि UPSC लेवल का था? वो पहले से जैसे क्वेश्चन ही था कि जैसे कविताओं ये वाला जो होता है गाधांश टाइप का दिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं मैम, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, टेक्निकल क्वेश्चन था और पेपर देने में बहुत मजा आया। ठीक ना, क्वेश्चन था आज का? ठीक था, मॉडरेट। हाँ ना, हार्ड था ना, आज की जो सिचुएशन के देखते हुए भी क्वेश्चन का मॉडिफाई किया गया था, बहुत अच्छा लगा, और पेपर ऐसा ही होना चाहिए। हाँ पेपर बहुत अच्छा था। कैसा था क्वेश्चन, क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसा था आज के पेपर का? अच्छा लगा। क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन तो पुराना पुराना पूछा था, अच्छा पुराना पुराना पूछा था, इसे 10th क्लास से ज़्यादा आया था जैसे।
पढ़ने वाले के लिए अच्छा था। हाँ, पढ़ने वाले के लिए क्वेश्चन अच्छा था, जो बिना पढ़ने वाला था उसके लिए खराब था। तो सुना आपने परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना था। परीक्षार्थियों से बातचीत कर रहे थे, आज आखिरी दिन परीक्षा दे करके ये तमाम परीक्षार्थी निकले थे, और ऐसे में ये सवाल जानना हमारे लिए लाजमी था कि आखिर आखिरी दिन परीक्षार्थियों को ये भरोसा है कि नहीं है। पेपर लीक की जो समस्या कई जगहों से निकल करके सामने आ रही थी, कई जगह जो है फेक क्वेश्चन पेपर्स बांटे जा रहे थे, उस चीज़ को लेकर के हमने पूछा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आई, और उम्मीद है सरकार पर कि इस बार जो है वो पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आएगी, खासकर इस एग्ज़ाम में नहीं आएगी, क्योंकि आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी परीक्षा अच्छे से निकली। क्वेश्चंस को लेकर कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि क्वेश्चंस टफ थे, तो कुछ का कहना था कि जो पढ़ा उसके लिए तो ईजी थे। देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब सरकार इसका रिजल्ट प्रकाशित करती है तो कौन कौन चयनित होते हैं। बने रहिए।